हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। तो आज के 1st ऑफ मार्च, अभी मार्च अप्रैल में अभी ये जो टाइमिंग है ये समर शुरू होने का टाइमिंग है और अभी इस पिक टाइमिंग पर अभी बारिश शुरू हो गई है। बहुत ही जोर से बारिश शुरू हो गई है। तो बारिश आने से पहले ऐसा लगा कि इतना जबरदस्त मौसम बन गया था कि अब भी वीडियो तो बनाना पड़ता है, इसलिए डायरेक्टली कैमरा उठाया और वीडियो बनाने के स्टार्ट कर दिया है। तो अभी आज का जो वीडियो है वो सोलार के ऊपर पूरा होने वाला है। अभी बारिश बहुत ज्यादा तेज बारिश शुरू है और मैं भी सोलार प्लेट्स के नीचे लिटरली ऐसे नीचे खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा प्लान तो चौपट हो गया है मेरा सोलार का वीडियो बनाने का। तो अभी अगर थोड़ा बारिश कब रुकती है तो थोड़ी और देर रुकता हूँ। अगर बारिश बंद हो जाती है फिर वीडियो कब भी शूट करूंगा, नहीं तो फिर कल सुबह शूट करना पड़ेगा। तो ये वाली जो लाइन है तो ये आ गया रेनबो। तो लिटरली मतलब बहुत सालों के बाद आज रेनबो दिखा है और मतलब ये देखने के लिए बहुत सारा टाइम रुकना पड़ता है क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी बारिश है और यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे है धूप और ये आ गया यहाँ पे रेनबो। अगर ये जो टाइमिंग है और ये जो मतलब अभी मौसम है, अगर हमारे कैमरा में अगर आ जाए ना तो ये सबसे बेस्ट वीडियो बनेगा। तो एक्चुअली सोलार के इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है और इधर आई बटन में इसकी लिंक आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाके ये दोनों वीडियो देख सकते हो क्योंकि वो दोनों वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी एक्चुअली सोलार को इंस्टॉल किए गए मुझे 2 ईयर्स पूरे कम्प्लीट हो गए हैं और इसके हिसाब से अब इसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन अभी भी बहुत अच्छी है। मतलब अभी तो फिलहाल इसकी थोड़ी सी इसको वॉशिंग की ज़रूरत है, अभी पानी आने से और भी थोड़े से ख़राब हो गए हैं। पर इसकी जो अभी ओवरऑल क्वालिटी की बात करें तो ओवरऑल क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। जब जो नॉर्मली बिल भरता था उसके बाद मैंने सोलार इंस्टॉल किया और मेरा जो बिल है वो ऑलमोस्ट 3 to 4 times एकदम ही कम हो गया है। मतलब बहुत ही डिस्ट्रिक्ट लेवल ये चेंज हो गया मेरा बिल। अभी एक बार आपको इसका अंदर का यूनिट, तो अगर अंदर के यूनिट की बात करें तो अभी तक आज के 5.5 kW आज के यूनिट हो गए हैं और अभी तक हमारे 6773 kW पावर जनरेशन हो गया है। और तो इस हिसाब से बात करें तो इसकी जो जनरेशन है वो जनरेशन का बहुत ही अच्छी है। और तो मैंने जो घर पे मेरा सोलार सिस्टम जो इंस्टॉल किया है वो वारी सोलार सिस्टम से, तो मुझे इसको लेकर कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं है। मतलब 2 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आपको ये सोलार सिस्टम इंस्टॉल करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाने वाली है, उनका मोबाइल नंबर, उनके लिंक्स सब मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ पे जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो आई एम डैम श्योर कि आपको आज का जो मौसम वाला वीडियो है, जबरदस्त मौसम वाला, तो आपको बिल्कुल ही पसंद आया होगा। तो अगर आप यहाँ तक आ गए तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा के जाना, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर देना और ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहिए टेक्सी ब्लॉग्स।